सर नो वीडियो नहीं, आपको बस कुछ नहीं लूंगा, बस ऐसे बिल्कुल मत लीजिए। वीडियो ले सकते हो। एक ही सवाल था कि आप ऐसे दादा या फिर भाई क्यों नहीं बोलने देते हो आपको? बिल्कुल नहीं, पट्टा ही नहीं ना। अच्छा पट्टा ही नहीं म्हणजे जसा वाला नागपूर वाला। तो होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और यार आज का जो टॉपिक है ना, थोड़ा हटके रहने वाला है, थोड़ा अलग रहने वाला है। एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, मेरे को भी लगता है कि भाई मेरे भी वीडियोस को व्यूज आए, मेरे भी चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, मेरे को भी लोग जाने। तो जैसे कि मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, तो नागपुर में एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, डॉली की टपरी। यार हर कोई जाके, हर यूट्यूबर जाके वो कॉन्टेंट कवर कर रहा है। तो मेरा भी ऐसा मन था कि मैं भी उधर जाऊँ, मैं भी वो कॉन्टेंट कवर करूँ, बट मैं किसी को कॉपी नहीं करने वाला, मैं उधर जाके व्लॉग नहीं करूंगा। एज जो जो मेरे पहचान के उधर गए थे, तो मैंने उनको उन सबसे पूछा, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई जो ये डॉली भाई है ना, इनके थोड़ा एटीट्यूड चेंज हुआ है जब से फेमस हुए, थोड़े भाव बढ़ गए हैं। मेरे इधर जो इंटेंशन है वो गलत नहीं है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, या फिर मैं किसी को डीफेम नहीं करना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में ऐसे का आइडिया आया था कि मैं किसी को कॉपी नहीं करूंगा, मैं उधर जाके एक एक्सपोज वीडियो बनाऊंगा, कुछ नेगेटिव नहीं दिखाने वाला हूं मैं आपको। अगर कुछ गलत लगता है तो यार दिल से सॉरी, आप वीडियो देखने के बाद मेरे को बताना कि मैंने कुछ गलत किया है या नहीं किया, तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल रहा हूँ अगर किसी को गलत लगता है ये। तो मैं क्या सोचा था कि मैं उधर जाऊंगा, दूर से मेरे भैया को कैमरा पकड़ा दूंगा। अब मेरे को ऐसे भी सुनने आया कि अगर कोई उसको जाके अगर वीडियो लेते हैं उधर, तो वो बहुत डांटता है या फिर बोलता है कि नहीं वीडियो नहीं लेना है करके, उसका एक ये मेरे को पता चला है। तो एक काम करेंगे अपन उधर जाएंगे, मैं भैया को बोलूंगा कि आप दूर से वीडियो शूट करो, मैं एक अलग फोन से कुछ वॉइस रिकॉर्ड करूंगा और बाद में उसको वॉइस ओवर कर दूंगा। पहले तो उससे अपन फ्रेंडली होंगे, यानी पहले बातचीत करेंगे थोड़ा कि कैसा क्या है भैया करके, फिर उसके बाद मैं उसको पूछूंगा कि भैया मैं वीडियो बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। अगर उसने हाँ बोला तो जिन लोगों ने मेरे को बताया तो वो गलत थे, और अगर उसने ऐसी बोला कि भाई तू वीडियो नहीं बना सकता या फिर मैं तेरी वीडियो में नहीं आऊंगा, तो फिर भाई हो सकता है कि एडिट बढ़ाओ। तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मेरे को किसी को डीफेम नहीं करना है, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ बस कंटेंट के लिए बना रहा हूँ, और मेरे को थोड़ा अलग करना था इसलिए मैं एक्सपोज वाली वीडियो बना रहा हूँ। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं डॉली भाई के जगह रहता, यानी जो डॉली की टपरी, अगर मेरा भी कुछ ऐसा रहता और मेरा भी कुछ वो खाने का फेमस हुआ रहता और मेरे तरफ भी दिन के 20 यूट्यूबर्स आए रहते वीडियो बनाने के लिए, तो मैं भी इरिटेट हुआ रहता। अगर मैं डॉली भाई की जगह रहता तो मैंने भी ऐसा बोला रहता कि यार तुम वीडियो बना लो, मेरे को वीडियो में मत इन्वॉल्व करना या फिर वीडियो मत बनाओ, दिक्कत जाती है। मैं भी इरिटेट हुआ रहता। फिर से मैं इधर बोलना चाहूंगा, मेरे को किसी को डिफेम नहीं करना है, तो अगर किसी को बुरा लगता है तो दिल से सॉरी। अभी अपन एक काम करते हैं, अपन सीधा चलते हैं डॉली की टपरी, पहले चाय पीते हैं, यानी थोड़ा फ्रेंडली वगैरह हुआ जाए उनसे, थोड़ी बातें करते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर उनको पूछते हैं कि भाई वीडियो मैं बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, ठीक है? तो चलो सीधा चलते हैं डॉली की टपरी। बस डॉली बोलना है क्या सर? वो कैसा है कि यार अपने घर में बोलते कि कोई पढ़ा रहा तो भाई बोलने का? नहीं नहीं नहीं, क्या बोलना और एक मिनट देख मिनट देखे आ रहा हूँ मैं। तो भाई चाय पकड़ दो, शुरू रखो। तो सबसे फेमस जगह नागपुर की डॉली की टपरी है, डॉली भाई के हाथ की चाय, सॉरी डॉली के हाथ की चाय पीता हूँ, टेस्ट करके देखता हूँ कैसी है। हाँ ठीक है, कड़क है बोल सकते हैं, पत्ती थोड़ी ज़्यादा, शक्कर थोड़ी कम, भाई मज़ा आ गया पी के। अमरीश एक मिनट दादा आओ थोड़ा ब्लॉग में, कैसी थी चाय? कैसी थी? अच्छी है, मस्त अच्छी है, कड़क है, एकदम कड़क, सही है यानी बोल सकते कि चलो ठीक है। अभी चाय लवर मुझे लग रहा है कि थोड़ा ठीक है, बट मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे चाय पीता नहीं है। और जैसे मैं जब गया तो बोले कि भाई नहीं बोलने का, बस डॉली बोलने का, ठीक है यार देखते क्या होता है। और एक चीज़, अभी हम एक बार डॉली से बात करते हैं और बोलते हैं कि हम वीडियो बना सकते हैं या नहीं बना सकते, क्योंकि बोलते हैं कि वो बनाने के लिए नहीं बोलता है वीडियो, तो ठीक है देखते क्या होता है सामने। तो
सर आपको तीन चाय चाहिए सर? मैं आपको नहीं मारा चाय, आपको समझना चाहिए है ना। उनको लगता था कि मैं आपको बीस में चाय पिलाऊंगा, है ना। जो मजा इसमें है ना, तीन चाय, तीन चाय, तीन चाय। हाँ ले लिया, ले लिया। आप मेरे को ऑन कैश कर रहे हो? कैश ये ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं है क्या? नहीं है क्या? वो नहीं होता ना सर। है या नहीं है? है, डाल दो इनको। एक्सक्यूज मी सर, देखो मेरे बारे में पता होगा तो मम्मी ले लो। पक्की चो आराम से लो, कोई जल्दी लेना तो आपको जाए। कौन सा बिक रहे हैं? कौन सा एक अमेरिकन आपको जैसी एक आज बाजू में दोन चार तीस ना दादा। आप सिलेक्शन भी क्या भाई साहब? मैं क्या बोला? तुम्हें चाय की थी दोन कौन दियो ना मेरा आपको मालूम है ना सही है क्या सर? आपको नीचे रख दो, वेरी गुड, आराम से। वीडियो बना सकता हूँ क्या सर? नो वीडियो नहीं, आपको बस कुछ नहीं लूंगा, बस ऐसे वही वही बस वो वाला ऐसा थोड़ा सा नहीं, कुछ नहीं पूछूंगा आपको। हाँ, मेरे को बस वो थोड़ा कुछ नहीं आपसे ऐसा जवाब नहीं पूछना तो ठीक है। फिर आप ले सकते हो? ठीक है ना, ले सकते हैं बिल्कुल। देखो मैं दो साइड बस ये पैकेट फोन पे डालने वाला हूं। नहीं मैं अभी नहीं ले रहा हूँ वीडियो, बस एक ही सवाल था कि आप ऐसे दादा या फिर भाई क्यों नहीं बोलने देते हो? आपको बिल्कुल नहीं, पट्टा ही नहीं ना। अच्छा पट्टा ही नहीं, पण म्हणजे असं जसं आपलं महाराष्ट्रीयन मध्ये असं म्हणतात, सिंपल बातें। हां जैसे चाय वाले काफी नागपूर शहर में, सही है। अब वो कैसे चाय वाला अच्छा नहीं लगता, नहीं सही है, उसका एक नाम रहने को होना सही है। तो डॉली की चाय सही है, सही है। और एक्सक्यूज मी आपका हमें चाय कितनी? दो आदमी ओके, हां चाय, हां चाय ओके। एंड वन हेलो एंड चाय एक डोनट सेकंड। एक्सक्यूज मी दोन चाय दे, मैंने क्या बोला? एक डोनट का पैकेट उठा है, एक पैकेट डोनट का उठा तेरे को जब मिला तो आराम से खा। मैंने बोला यहाँ से दो दो पैकेट सब डाल देना। एक वीक के लिए चाय देसी सिगरेट देसी एक सिगरेट के अंदर देसी एक चाय देसी अरे फक्त एकच म्हणजे आपण जसं मराठीमध्ये म्हणजे आपला महार म्हणजे आपण मराठी लोकांमध्ये म्हणतो की जे मोठे राहिले त्यांना दादा वगैरे म्हणावं लागतं, नाही म्हणजे जसं आपले आई बाबा शिकवतात की कोणी मोठा आहे तर दादा म्हणा, तसं पण नाही मी मग अशी फक्त व्हिडिओ घेतो, तुला काहीच नाही विचारत। ठीक आहे, चल थँक्यू दादा। आपके लैंग्वेज में थोड़ा मेरे व्यूअर्स को कुछ बोल दो, एकदम स्वैग वाला नागपुर वाला।
लाइन अरे एक लाइन चलो एक तो देखो यार, अभी जस्ट मैं डॉली की टपरी जाके आया। आपने इसके पहले जो वीडियो देखा होगा, तो जो लोग मेरे को बता रहे थे कि भाई वो वीडियो नहीं बनाने देता है, तो ऐसा तो नहीं हुआ, यानी 50-50 हुआ। उसने बोला कि तुम वीडियो बना सकते हो, बस मेरे को सवाल जवाब या कोई क्वेश्चन मत पूछना। तो यानी दोनों चीज़ें सही थी। यानी वो बोल रहा है कि थोड़े एटीट्यूड में तो फ़र्क आया है, ऑलमोस्ट आना भी चाहिए, एटीट्यूड नहीं बोल सकते उसको। अगर मैं भी रहता उनके जगह और मेरा भी ऐसा कुछ चला रहता तो मैंने भी बोला रहता कि भाई यार तुम अपना अपना कर लो, मेरे को वीडियो में मत इन्वॉल्व करना क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। तो एक तरह से डॉली भाई का सही भी है और एक तरह से गलत भी है। एक्चुअली फेमस तो लोगों ने किया, नहीं हमने नहीं, किसी लोगों ने किया, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट जो भी है, सही था उनका एटीट्यूड, अच्छा लगा मेरे को। दिल से वो बंदा काफी अच्छा है भाई, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, मैं किसी को नेगेटिव नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे को दिल से वो बंदा काफी अच्छा लगा है। वो सच बताऊं ना, वैसे बंदे बहुत कम मिलते, एकदम दिल से एकदम चंगा बंदा है वो। और गलत ऐसा हुआ कि उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि, जैसे मैंने लास्ट में बोला उसको कि भाई मेरे व्यूवर्स को कुछ बोल दो, तो उसने मेरे को ऐसा बोला कि मैं नहीं, मैंने तेरे को पहले ही बोला था मैं वीडियो में नहीं लूंगा। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी मानता हूँ उसकी भी कोई पर्सनल लाइफ है, उसको भी कुछ लगता होगा कि भाई मेरे कारण लोग फेमस हो रहे हैं, ऐसा भी होता होगा। बट इधर भी मैं, मेरे को किसी को डिफेम नहीं करना है, सॉरी अगर किसी को गलत लगा। तो ऐसा कुछ था, मैं गया, चाय भी अच्छी थी, बस मज़ा आ गई जाके। और एक्सपोज वीडियो कैसा लगा आप मेरे को बताओ। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आपको बताएं क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेक श्योर यार गाइस चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और कुछ 1K है अपने सब्सक्राइबर्स, तो यार जल्दी जल्दी 2K करवा दो, थोड़ा अच्छा लगता है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो ये वीडियो लोग नागपुर से देख रहे हैं, तो यार नागपुर का मेरे को प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ कि मेरे को और कौन सी जगह कवर करनी चाहिए नागपुर में, या फिर मेरे को कोई सजेस्ट करो कि भाई इधर जाके आप ये वीडियो बनाओ। तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। होप करता हूँ कि आप वो वीडियो को अच्छे व्यूज दे दोगे और कुछ सब्सक्राइब कर ही दोगे चैनल को। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है एब्सोल्यूट बारबेक्यू के ऊपर। वीडियो पूरी एडिट ऑलमोस्ट हो गई है मेरी, बस थोड़ा सा छोटा सा पार्ट बाकी है, उसके पहले ये वाली वीडियो आने वाली है। तो ये वीडियो के बाद एब्सोल्यूट बारबेक्यू वाली वीडियो आने वाली है, तो यार जरूर चेक करना और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो बाय बाय गाइस, टाटा।